रविवार को मुंबई में फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है उसके तार अब गुरुग्राम से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के महावीरपुरा इलाके में। ये जो घर है मेरे पीछे ठीक ये विशाल उर्फ कालू का है और बताया जा रहा है कि विशाल रोहित गोदारा के लिए काम करता था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता है। आरोप ये भी है कि विशाल उर्फ कालू ने ही अपने साथी के साथ मिलकर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग को अंजाम दिया था और उसके बाद फरार हो गया। हालांकि कुछ सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई है और उसके बाद ही ये खुलासा हुआ कि इस पूरे फायरिंग के अंदर जो है विशाल उर्फ कालू भी शामिल रहा है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ एसटीएफ हरियाणा, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस तीनों ही एक तरह से विशाल उर्फ कालू का को एक तरह से ढूंढ रही हैं, उसकी तलाश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर विशाल उर्फ कालू के घर के अंदर मौजूद नहीं है। हालांकि सुबह तक उसके परिवार में उसकी बहन और उसकी माँ दोनों ही इस घर के अंदर मौजूद थी। कल शाम को देर रात जो है दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची थी, हरियाणा एसटीएफ जो है वो यहां पहुंची थी। उन्होंने एक तरह से विशाल की मां और उसकी बहन दोनों से ही पूछताछ की है, लेकिन विशाल के जो भाई हैं वो भी घर पर मौजूद नहीं है और फिलहाल उनकी मां और बहन वो भी मौजूद नहीं है। बताया ये जा रहा है कि वो यहां से ये कहकर निकले हैं कि वो अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, लेकिन वो रिश्तेदार के घर गए हैं या फिर किसी जांच एजेंसी ने उन्हें जांच के लिए बुलाया है ये साफ नहीं है। लेकिन लगातार विशाल उर्फ कालू के परिवार के ऊपर हरियाणा एसटीएफ के साथ साथ दिल्ली स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस की नजर है, क्योंकि लगातार जो परिवार है वो यहां पर मौजूद नहीं है और लगातार ये बात कही भी जा रही है कि रोहित गोदारा के संपर्क में विशाल काफी दिनों से था। और पिछले दिनों आपने देखा था कि रोहतक में 29 फरवरी को सचिन गोदा नाम के एक स्क्रैप व्यापारी उर्फ बुकी की हत्या हुई थी और उस हत्याकांड में भी रोहित गोदारा ने फेसबुक के जरिए जिम्मेवारी ली थी और उसमें ये कहा था कि उसने ही सचिन गोदा की हत्या करवाई है। और इस पूरे हत्याकांड के अंदर विशाल उर्फ कालू का भी नाम सामने आया था और तभी से विशाल उर्फ कालू जो है वो फरार था। और अब जब मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है तो उसमें भी विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आया है और इसीलिए अब गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ एसटीएफ हरियाणा, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस विशाल उर्फ कालू की तलाश कर रही है। द्रव्य शर्मा, न्यूज 18, गुरुग्राम। रविवार को मुंबई में फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है उसके तार अब गुरुग्राम से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के महावीरपुरा इलाके में। ये जो घर है मेरे पीछे ठीक ये विशाल उर्फ कालू का है और बताया जा रहा है कि विशाल रोहित गोदारा के लिए काम करता था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता है। आरोप ये भी है कि विशाल उर्फ कालू ने ही अपने साथी के साथ मिलकर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग को अंजाम दिया था और उसके बाद फरार हो गया। हालांकि कुछ सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई है और उसके बाद ही ये खुलासा हुआ कि इस पूरे फायरिंग के अंदर जो है विशाल उर्फ कालू भी शामिल रहा है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ एसटीएफ हरियाणा, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस तीनों ही एक तरह से विशाल उर्फ कालू का को एक तरह से ढूंढ रही हैं, उसकी तलाश कर रही हैं। लेकिन यहां पर विशाल उर्फ कालू के घर के अंदर मौजूद नहीं है। हालांकि सुबह तक उसके परिवार में उसकी बहन और उसकी माँ दोनों ही इस घर के अंदर मौजूद थी। कल शाम को देर रात जो है दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची थी, हरियाणा एसटीएफ जो है वो यहां पहुंची थी। उन्होंने एक तरह से विशाल की मां और उसकी बहन दोनों से ही पूछताछ की है, लेकिन विशाल के जो भाई हैं वो भी घर पर मौजूद नहीं है और फिलहाल उनकी मां और बहन वो भी मौजूद नहीं है। बताया ये जा रहा है कि वो यहां से ये कहकर निकले हैं कि वो अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, लेकिन वो रिश्तेदार के घर गए हैं या फिर किसी जांच एजेंसी ने उन्हें जांच के लिए बुलाया है ये साफ नहीं है। लेकिन लगातार विशाल उर्फ कालू के परिवार के ऊपर हरियाणा एसटीएफ के साथ साथ दिल्ली स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस की नजर है, क्योंकि लगातार जो परिवार है वो यहां पर मौजूद नहीं है और लगातार ये बात कही भी जा रही है कि रोहित गोदारा के संपर्क में विशाल काफी दिनों से था। और पिछले दिनों आपने देखा था कि रोहतक में 29 फरवरी को सचिन गोदा नाम के एक स्क्रैप व्यापारी उर्फ बुकी की हत्या हुई थी और उस हत्याकांड में भी रोहित गोदारा ने फेसबुक के जरिए जिम्मेवारी ली थी और उसमें ये कहा था कि उसने ही सचिन गोदा की हत्या करवाई है। और इस पूरे हत्याकांड के अंदर विशाल उर्फ कालू का भी नाम सामने आया था और तभी से विशाल उर्फ कालू जो है वो फरार था। और अब जब मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है तो उसमें भी विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आया है और इसीलिए अब गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ एसटीएफ हरियाणा, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस विशाल उर्फ कालू की तलाश कर रही है। द्रव्य शर्मा, न्यूज 18, गुरुग्राम।